हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हमने इन फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव लर्न, हमने स्टार्टिंग में क्या स्टार्ट किया था, जीओसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना। इन वैलेंस शेल उसके बाद हमने पढ़ा, दिस इज लेक्चर नंबर थर्ड, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर डिस्प्लेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, लाइक अलग अलग जो उसके टाइप्स थी, है ना, कि हमने किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ी। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। आज का टॉपिक हमारा ये आज हमने पढ़ना है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इनकी क्या है, इट इन्वॉल्व्स दी इट इन्वॉल्व्स डी लोकलाइजेशन ऑफ localization of odd electron with with electrons of pi bond, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या एग्जाम्पल है इसकी, दैट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, इसके ऊपर ये क्या है, फ्री रेडिकल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब जो ये वाला बॉन्ड होगा ना, अब जो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये किस तरह से टूटेगा, ठीक है। दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक होमोलिटिक फिशन होगी, होमो मीन्स इस बॉन्ड की यहाँ पर क्या होने वाली है, होमोलिटिक फिशन होगी, ठीक है। अब इस होमोलिटिक फिशन में क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ, दैट मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ जाएगा इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जाएगा, तो हमारा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी सी एच टू, बॉन्ड तो सिंगल ही रहा, सी एच ये वाला फ्री रेडिकल, और जो यहाँ से निकल के रेडिकल आ रहा होगा, जो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉन्ड का आ रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और जो ये वाला होगा ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, दैट इज सी एच टू, यहाँ पर क्या रह गया, फ्री रेडिकल। दिस इज स्ट्रक्चर वन एंड दिस इज स्ट्रक्चर सेकेंड, ठीक है, और इसी के साथ आपके ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और साथ में अब हम रूल्स पढ़ेंगे, जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट था, और जो साथ में ये था ना हमारे पास कि वेकेंट ऑर्बिटल के साथ वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर का जो डिस्प्लेसमेंट था, तो वो हम मेसोमेरिक में आगे वाले पार्ट में ही कवर कर लेंगे, बिकॉज वो आपस में इंटर रिलेटेड है, वो एक आपको ऐसे लगेगा कि वो एक ही टॉपिक है, इसलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमने स्टार्ट करना है रूल्स, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रूल्स ऑफ रेजोनेंस, क्या है, रूल्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब कंजुगेशन होती है ना, दैट इज अल्टरनेट सिंगल पाई बॉन्ड, कंजुगेशन से क्या, कंजुगेशन में अगर क्या हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेजोनेंस,
फर्स्ट रूल यहाँ पर क्या है, द पोजिशन ऑफ एटम रिमेन्स अनचेंज वेयर एज ओनली द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज. फर्स्ट रूल ये क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर क्या है कि जो पोजिशन है, ठीक है, द पोजिशन ऑफ एटम रिमेन्स सेम, तो पोजिशन ऑफ एटम रिमेन्स सेम और अनचेंज्ड वेयर एज ओनली दी ओनली दी पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस. ओके, कि सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल अगर बेंजीन की ही दे रही थी, है ना, स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ी थी, सबसे पहले बेंजीन ही पढ़ा था. यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ये बॉन्ड्स की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो चेंज हो रहे हैं, जबकि जो एटम है, जो कार्बन एटम यहाँ था वो यहीं पे रहा, वो चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, जो यहाँ पे था जैसे दिस इज 5 6, तो ये एज इट इज ही रहे हैं, इनकी कोई भी पोजीशन जो होगी वो चेंज नहीं हुई होगी. या मैं अगर आपको ये एग्जांपल नहीं लेनी है तो हम दूसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं, दैट इज जैसे हमने पीछे बाकी टाइप्स में एग्जांपल्स पढ़ी थी, लाइक पाई पाई कंजुगेशन वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, है ना. तो अगर मैं यहाँ पर इसको मार्किंग करूँ 1 2 3 और 4, तो हमने जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था बच्चा, तो कैसे ड्रॉ किया था, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास, CH2 पॉजिटिव, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या, कौन से हमारे पास वही एटम से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 पर क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं, यहाँ पर क्या थी डबल बॉन्ड. तो इसका मतलब ये है कि जो एटम की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन, मतलब जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है ऑल द रेजोनेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इंडिकेटेड बाय डबल हेडेड एरो. जितने भी हमारे पास क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, आर डिनोटेड बाय डबल हेडेड एरो. इसकी इंडिकेट करने की क्या है तरीका है, पैटर्न है, डबल हेडेड एरोस. ठीक है, जैसे कि ये आ गया, हम इसी तरह से तो क्या कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे. थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड. कि रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contribute towards resonance hybrid. Okay. Next आता है all resonating structure must satisfy octet rule. ठीक है, कि जितने भी resonating structure होंगे ना, all the resonating structure should satisfied octet rule. ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, octet rule को क्या करना पड़ेगा, follow करना चाहिए. देखिए इसकी example यहाँ पर हम समझने के लिए ले लेते हैं, that is CH2 double bond CH single bond NH3. ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है. ठीक, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि
कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या करी है, मूव, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ मूव करी है, तो अगर ये यहाँ मूव करेगी है ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से दिखेगा, दैट इज़ सी एच टू पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड सी एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास डबल बॉन्ड क्या आएगा एन एच थ्री। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 3, 4, 5, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 10 हो गए, इट मीन्स ये कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, दैट अब यहाँ पर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं जिनके अंदर चार्ज सेपरेशन होती है, ठीक है, हैव लेस स्टेबिलिटी, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच हैव चार्ज सेपरेशन हैव लेस स्टेबिलिटी, ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन लेस इज द स्टेबिलिटी, ठीक है, कि जितना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा चार्ज सेपरेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच हैव चार्ज सेपरेशन विच हैव चार्ज सेपरेशन हैव लेस स्टेबिलिटी, कॉमा ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन लेस इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन होगा वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतनी ही कम वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि ये किस टर्म में बोला, पहले हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, उसी हिसाब से इसको क्या करेंगे फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले मैं सारे के सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, सो दैट बॉन्ड मूवमेंट दिखाने में इजी हो जाए थोड़ा। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने लगा दिया OH ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्या आएंगे, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये आके इनकी बेंजीन की जो डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे जो OH ग्रुप होता है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब इन शॉर्ट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ आ रहा है, और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दो बॉन्ड्स एज इट इज़ हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो
OH ये पॉजिटिव ही रहेगा अब हर जगह पर, तो ये वाले बॉन्ड यहाँ आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या होनी है अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना है, डीलोकलाइजेशन होना है ना, वो हम लोग पढ़ चुके। अब जब ये वाले पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे, तो ये वाली पाई बॉन्ड कहाँ जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर दोबारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये वापस कहाँ चल जाएंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया ना, क्योंकि वही पाई इलेक्ट्रॉन तो गया था, तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर से ही क्या हो जाएगा, दोबारा से लोन पेयर वापस आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर क्या आ गया, वन ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो पाई बॉन्ड्स है कम्प्लीटली क्या हो गया, उनकी पोजिशन चेंज हो गई है। तभी हमें इस बैन या जो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर सब्सिट्यूएंट भी लगाओ या कोई ग्रुप भी लगाओ, तो भी हमें जो बॉन्ड्स होती है ये बॉन्ड्स हमें इक्वल देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड्स जो थी वो सारी की सारी क्या हो रही थी, डीलोकलाइज हो रही थी। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तभी उसने कहा कि देखो यहाँ पहले तो किसी भी कंपोनेंट में चार्ज सेपरेशन होना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर चार्जेस हैं दैट मीन्स वो अनस्टेबल होने की कंडीशन में, वो अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, अब अगर चार्जेस हैं, ठीक है ना, और वो भी अपोजिटली अपोजिट चार्जेस, ठीक है, अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, जितना दूर होंगे है ना, जितना क्या होगा, लार्जर सेपरेशन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबिलिटी। क्लियर, आई होप आपको वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच डू नॉट इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन व्हेन द नेगेटिव चार्ज इज कैरिड मोर स्टेबल देन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर वेयर नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये नेक्स्ट रूल में क्या चीज़ बोल रहा है कि अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर मैं 6 पॉइंट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है, पहले मैं पॉइंट लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन सेपरेशन व्हेन द नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर मोर स्टेबल देन दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर वेयर नेगेटिव चार्ज इज यदि नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और एलिमेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, पर
वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। तो अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर नेगेटिव जो इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा। देखिए इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग। ऐसे अगेन मैं दोबारा थिंग्स पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर अगर मैं ये ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन रख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, तीन लोन पेयर है, और ये इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये आ गई पाई बॉन्ड्स रिंग की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, अभी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो इट मींस ये स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। बाकी देखिए यहाँ पर ये आ गया लोन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे। दिस मींस यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या आने वाले हैं, दो लोन पे, पर ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट इस टाइम पर क्या है, कंप्लीट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर आप चाहो तो इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकते हो, बट नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो राइट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वाले कार्बन एटम पे। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इस तरह से। अभी जब वापस यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाएंगे। दिस मीन्स ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड है बच्चा, ये यहाँ चला जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर फिर से क्या आ जाएंगे, तीन लोन पे और एक नेगेटिव चार्ज। ये इस तरह से क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगी। स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 and 5। तो यहाँ पर क्या बोलता है ये, द स्ट्रक्चर 1 and 2 आर हाईली स्टेबल बिकॉज दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखने वाली हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास फर्स्ट एंड फिफ्थ है, वो मोर स्टेबल है देन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्यों, बिकॉज स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड में, सॉरी फर्स्ट एंड फिफ्थ में क्या है, जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और फिफ्थ है उनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ लेस स्टेबल, ठीक है, देन फर्स्ट एंड फिफ्थ बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना है, देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर चार सेपरेशन देखे कि हम लोग यहाँ पर स्टेबलेटर, ये क्या है हमारे पास, ये फिनोल है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इन फिनोल द स्ट्रक्चर थर्ड इज लीस्ट स्टेबल, स्ट्रक्चर सेकेंड एंड फोर्थ आर लेस स्टेबल, वेयर एज स्ट्रक्चर वन एंड फिफ्थ आर इक्वली स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और फिफ्थ है वो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, नो चार्ज सेपरेशन, सबसे पहले कोई चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, नो चार्ज सेपरेशन या लिख सकते हो नो चार्ज इज देयर, ठीक है, और नो चार्ज
प्रेजेंट, चार्ज सेपरेशन तो मत ही लिखिए क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो सेपरेशन तो बनती नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नो चार्ज प्रेजेंट, ओके। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर सेकंड एंड फोर्थ क्या है, इक्वली स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज जो है एज चार्ज इज लीस्ट सेपरेटेड, क्या है, लीस्ट सेपरेटेड है, ठीक है। वाइल जो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, वाइल स्ट्रक्चर थर्ड जो है लीस्ट स्टेबल पे है, लीस्ट स्टेबल एज चार्ज जो है इज सेपरेटेड सेपरेटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस, इससे ज़्यादा दूर कहाँ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे पास क्या आ जाता है। यहाँ पर ये जो रूल है ये तो आई थिंक इनफ है, नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर वेयर पॉजिटिव चार्जेस कैरिड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव लेस स्टेबिलिटी। देखो अब जो नेगेटिव चार्ज था वो किसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। अब जो हमारे पास क्या होगा, देखिए जो हमारे पास पहले क्या था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होगा, किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर, या जो क्या होगा लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, ठीक है। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर वेयर पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होगा, ठीक है, जो नेगेटिव एटम इज लीस्ट स्टेबल और have least stability, okay? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इसके, फॉर एग्जाम्पल जैसे R C डबल बॉन्ड O O H, ठीक है, ये आगे है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या है लोन पे है। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज आर के साथ ये इसका पाई बॉन्ड ऊपर गया, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पर क्या आने वाला, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गए दो, और ये क्या आ गए तीन, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट इंस्टेंटली दूसरा ऑक्सीजन के साथ, जिसके साथ क्योंकि ये इसका लोन पेयर यहाँ चला गया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इस ऑक्सीजन की क्या बन गए दो बॉन्ड, और इसका ये आ गया लोन पेयर, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव साइन, यहाँ पर क्या आ गया इसका हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर वन, ये आ गया स्ट्रक्चर टू। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर सेकंड है वो क्या है इज लेस स्टेबल, ठीक है, देन स्ट्रक्चर वन एज यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव
नेगेटिव एलिमेंट या एटम, ठीक है। हैंस कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज देन कार्बोक्सिलेट आयन। इसीलिए जो हमारे क्या होते हैं और एटम, इसीलिए जो हमारे क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ठीक है, वो क्या लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइज्ड देन किससे, कार्बोक्सिलेट आयन से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ। हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई टेंडेंसी टू चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक आयन। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसको कार्बोक्सिलेट आयन बनने के लिए उसकी क्या है टेंडेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि क्योंकि वो इजिली यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल होगा ना, तो कोई भी चीज़ हमेशा किसकी तरफ मूव करती है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, ये हमारा आ गया R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से था पहले वाला स्ट्रक्चर भी हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर क्या था हाइड्रोजन, तो जब ये यहाँ गया है ना और ये यहाँ गया, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस तरह से नहीं जाएगा ये, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, सीधा सीधा पहले क्या कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लोन पेयर यहाँ से किसी ना किसी कंडीशन में क्या करने वाला है, मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, सीधा सीधा क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा जाएगा कुछ कुछ, है ना। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, अब तीन लोन पेयर, ठीक है, जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। यहाँ पर ये दो आ गए, अब जैसे ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये साइन नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पर डबल आइडी नहीं होगा, ये होगा कि क्या होगा, एक स्लो स्टेप होगा, ये एक्वस मीडियम में होगा, ठीक है, ये कोई स्लो स्टेप है। यहाँ पर ये यहाँ क्या, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा कार्बन, यहाँ पर कार्बन के साथ क्या आ जाएगी, सिंगल बॉन्ड, तीन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएंगे लोन, ऑक्सीजन के ऊपर तीन लोन पे, यहाँ पर क्या आ जाएगी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज प्लस क्या आएगा एच पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हमें पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ आपके रूल्स जो हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर द, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप चैनल के साथ बने रहिए और अपने टॉपिक्स को साथ साथ में कवर करते जाइए और बर्डन इकट्ठा नहीं होगा। आई होप आपको सब क्लियर है। इफ़ you have any problem regarding to the topic, then let me know in the comment section.